ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الله رب العالمين كي توفيق ورزق فضل و ان شاء الله اج الله سبحانه وتعالى كي اكسفت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله رب العالمين كي اكسفت المقتو اسمه متعلق بين ان شاء الله अल्लाह रब्लमी की जो सिफात हैं मैं समझता हूँ कि ये जो है नी तकरीबन पाँचवा साल का आगाज़ हो रहा है जो अल्लाह रब्लम की सिफात से मुतल जो दुरुस का जो सिलसिला है पहले जो मैंने कवायद बताए हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और उन कवायद की रोशनी में दरूस को समझने में बड़ी आसानी होती है अल्लाह रबुलामी की जो सिफ़ात हम पढ़ते हैं बताते हैं इसके जो मकासद हैं एक तो एक अल्लाह का तारफ़ हो दूसरी बात यह है कि उस नाम को उस सिफत को पढ़ने का तकाजा क्या है उसको बोलते हैं अ तयबुद यानी अल्लाह यानी अल्ला रब्लम की उस सिफत में जो माना है अल्लाह रब्लम का जो अजीम नाम जो हम पढ़ते हैं उसका हमारी ज़िंदगी में क्या असर होना चाहिए उसको कहते हैं अ ये बहुत ज़रूरी है तो आज जो हम सिफत पढ़ रहे हैं ये अल्लाह रब्लम की सिफात फैलिया में से है अलमख तो इसका माना क्या है उसको मैं आपको ही बताऊँगा आपको इन अल तो इसके जो बुनियादी अरूफ हैं अल-काफ, अत्ता, मकाता। इसका बुनियादी माना क्या है इसका बुनियादी माना यह है कि जैसे इब्न फ़ारस ने कहा रहम् यदुल्लुआला शनातिन वक़ुब हन ये जो लफ्ज़ है इसका माना ये है कि किसी कभी बुरे किसी गंदे काम से बरात का इज़हार करना बेजारगी का इज़हार करना सिर्फ़ नाराज़ होना नहीं किसी बुरे काम से किसी ग़लत काम से नाराज़गी का इज़हार करना किसी बुरे काम से बेजारगी का इज़हार करना अलमक तो इसके माने क्या हैं किसी बुरे काम से नफ़रत करना उसकी वजह से बेजारगी का इजहार करना सिर्फ बेजारगी का इजहार नहीं अरबी जुबान में एक 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 लफ्ज है कला कला के माने क्या हैं यानी किसी से नाराज होकर के बेजार हो जाना छोड़ देना अल्लाह ने क्या फरमाया सो तो व्या सुबहान नाराज नहीं हुआ है कि नाराज हो जाए और आपको छोड़ दे नहीं ऐसी बात है ही नहीं कला तबर्रा अल्लाह ये सब के माने बेजारगी बेजारगी के हैं बरात के हैं, अलाहिदगी इख्तियार करने के हैं उसी में से ये जो मक़ाता है इसके माने आते हैं किसी काम से किसी काम के गलत होने की वजह से किसी काम के ग़लत होने की वजह से उस वजह से उससे बेजार होना बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये एक अजीम सिफ़त है अलमखतो इसका माना मैंने आपके सामने रखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले जो आकादी एतबार से एहतिकात के एतबार से अकीदे की गलतियां थी मुआरे में समाजी गलतियां थी मुआरे में समाजी एतबार से अरब में मैं बता रहा हूं रसूलुल्लाह के आने से पहले वसल्लम एक गलती ये भी थी कि किससे निकाह करना है किससे नहीं उसमें कोई तमीज़ नहीं थी हती कि एक शख्स है उसका अपना जो सगा बाप है यानी एक शोहर और बीवी के मिलने से जो औलाद होती है मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ एक शख्स है उसका सगा बाप है उस बाप ने किसी और से भी शादी की किसी और औरत से भी और इसके बाप का इंतकाल हो गया इसकी जो सगी माँ है वो तो है लेकिन इसके बाप ने जो किसी औरत और से भी शादी की ना उसके इंतकाल की वजह से वो उस उस, उस औरत से शादी कर लेते गोया के अपने बाप की बीवी से कितनी बुरी बात है ये अल्लाह रब्बुल आलमी ने कुरान मजीद में फरमाया फलातन की हो माना कहा आबा मिनसाई इल्ला माकत सलफ लातन की हो माना कहा आबा मिनसाई इल्ला माकत सलफ तुम्हारे बाप ने तुम्हारे वालिद ने जिस औरत से शादी की उससे शादी मत करो तुम लोगों में से जिन जिन लोगों ने कर चुके हैं सो कर चुके हैं इस गुनाह को दोहराओ मत इन्ना हुका ना फाहशा अल्लाह ने इसको फहश कहा जिना कहा अल्लाह ने इसको कहा कि वह मकता और यह बात अल्लाह ताला के हक में अल्लाह ताला के लिए बहुत ही नाराजगी की बात भी है इंसान खुद उसको उसको बर्दाश्त नहीं करता इंसान कभी उसे अच्छी निगाह से नहीं देखता इंसान खुद अपने उस अमल से नाराज़गी का इजहार करता है बेजार हो जाता है तो अल्लाह तो अल्लाह ताला के शरीयत में ये एक बेजारगी वाला अमल है नाराज़गी वाला अमल है बहरहाल वहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वह मकता एक कदीम आलिम दीन है और अजीम लोग अभी भी हैं अबू इसम तीन सौ ग्यारह हिजरी से वफात है उनका उनकी किताब है कुरान व एर उसमें उन्होंने सूरतनिससा की इस आयत करीमा की तफसीर में लिखा कि अल्मत का माना आता है अशदुलब बहुत ज़्यादा नफरत करना बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कि बेजारगी किसी अमल से इतनी नफरत कि उससे की इख्तियार कर ले आदमी बेजार हो जाए बरात का इजहार कर ले रबालमीन की इस सिफत भी है अलमखत पुरान मजीद की एक आयत करीमा है गाफिर सुरत अल उसका नाम है सुरत गافر भी कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन लदीन लजीना कफरू युनादोन लमक्तु अल्लाह اكبر من मक्तिकुम अनफुसकुम इस्तदआऊना इलल ईमान फतकफुरून अल्लाह ताला ने कहा कि कुफार कल कयामत के दिन उन्हें आवाज दी जाएगी काफिरों को पुकारा जाएगा उन्हें बुलाया जाएगा इन अल लजीना कफरू युनादोन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद निशाद फरमायादी कफ़र दौन जिस दिन काफिरों को आवाज़ दी जाएगी पुकारा जाएगा बुलाया जाएगा उनको और काफिर जो है ना उस दिन खुद अपने कुफर से नफरत करेंगे मैं क्यों काफिर था करके यानी ऐसा होता कि मैं क्यों ऐसा किया कि मुझे आज जहन्नम जाना पड़ रहा है उसके ताल्लु से जो फैसले किए जाएंगे वो खुद अपने से बेजार हो जाएगा तो ये खुद एक अजाब उसके लिए लेकिन जानते हैं इससे बड़ा अजाब क्या होगा अल्लाह ने कहा कि लमकतुल्ला अकबर आज जो तुम अपने आप से नफरत कर रहे हैं ना आज जो तुम अपने आप पर गुस्सा कर रहे हैं ना अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तुम दुनिया में तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम ईमान का इनकार करते थे उससे ज्यादा नाराज था अल्लाह तुम पर दुनिया के अंदर जितना आज तुमको अपने आप पर नफरत हो रही है अल्लाह सुभान व तआला का दीन तुम तक पहुंचा तुमने जो ठुकराया ना उस वक्त अल्लाह की नाराजगी तुमसे कहीं ज्यादा थी अल्लाह अकबर कबीरा ये बहुत बड़ी बात है एक हदीस मुबारक आती है जिसमें अल्लाह तला सिफ़त को बयान किया गया है सही मुस्लिम की हदीस है सही मुस्लिम किताबत अल्कियाम एक सहाबी हैं अयाज नाम है उनका अयाज अयाज अबन हिमाजी वो कहते हैं कि रसूल ने इरशाद फरमाया खुतबा दिया आपने खुतबे के दौरान आपने जब आगाज किया तो आपने फरमाया कि, कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें सिखाऊं मैं तुम्हें तालीम दो मा जहल तुम जिसका तुम्हें नहीं है मैं वो तुम्हें सिखाऊ आप फरमाया कि आज आज आज, आज, आज अल्लाह ने जो मुझे सिखाया है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ने आज जो वही नाजिल की गई है कई बातें बताएं अल्लाह के रसूल ने उसमें हदीस तवील है उसमें हमारे मौजू से मुतक जो बात है आज का दर्स जो है हमारा अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल को नबी बनाने से पहले दुनिया की हालत इतनी ख़राब थी इतनी ख़राब थी कि सिर्फ अजाब ही आ सकता था अल्लाह अकबर अल्लाह ने रहम किया नबी को भेज के ने एहसान किया अकीदे के अतबार से मामला के अतबार से पूरी दुनिया की हालत इतनी खराब थी कि बस हिलाकत ही हिलाकत थी उनके लिए अल्लाह के रसो ने क्या कहा मालूम है सल्ला कहा किबालमीन ने जमीन पर एक नजर डाली अल्लाह ने फम खाता हूँ क्या अरब क्या आजम पूरी दुनिया से अल्लाह नाराज हो गए अकीदे में खराबी मामला में खराबी हर बाप में खराबी अल्लाह व तआला की इतनी नाराज़गी थी इल्ला बकाया मिन अहले किताब अहले किताब के कुछ कुछ उस वक्त जो थे ना और यहूदार अहले किताब जिनको अल्लाह ने किताब नाजिल की उसके मानने वाले में से कुछ लोग थे जो बहुत साले और नेक थे और अल्लाह ताला की और फरमाबरदारी कर रहे थे बाकी सब ऐसी हालत में थे कि अल्लाह रब्लॉमीन सब से नाराज़ हो गए अल्लाह ने उसके वक्त अल्लाह के रसूल को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला रम्आमी बना करके फमाक़ाता हम कहा ने सब से नाराज़ हो गए मक्त यानी किसी के बुरे फेल किसी के बुरे काम से नाराज़ होना उसकी वजह से उनसे बेजार हो जाना न सल्आफल एक तो ये चीज़ शेख उम्रतम रहा एक बड़े आलम दीन हैं दुनिया भर में मारूफ हैं और अल्लाह रबालमी ने उनसे बड़ा एहसान करवाया उमत मुसलिम पर बड़े अजीम आलिम दीन सब जानते हैं क्या आवाम क्या खवास उनकी मुतद किताबें हैं उनका एक रिसाला है अक़ीदे से मुतल असमा सिफ़ात से मतलब जो अकीदतलवासकिया से मरूफ़ है उसमें उन्होंने अल्लाह रब्म की जो सिफ़ात बताए हैं गिनवाए हैं उनमें अल्ला रब्लम की अलज़ब अल्लाह रबालमीन का नाराज़ होना अल्लाह रब्बुल आलमीन का यानी किसी चीज़ से कराहत करना यह भी सिफ़ात उन्होंने बताए हैं उनमें से अल अलमकत और जिस आयत करीमा से आपने इस्तर किया है वो सूरह तो अश्फ़ के आयत है अल्लाह ताला ने फरमाया कबुरा मखन आंद के अंतकुल माला तफालून क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ऐसा अमल बहुत ही नाराज़गी वाला अमल है कि एक इंसान लोगों को कहे कि तुम ऐसा करो ये नेकी करो वो बुराई से रोको रुको और खुद ही उस बुराई में मुलावि हो और खुद ही उस नेकी से भागता हो इस तर्ज अमल से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत नाराज़ होते हैं बहुत ही नाराजगी वाला अमल है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये तो ये अल्लाह सुबहान की एक सिफत है इसीलिए इब्न ताइमिया ने कहा रहा हमलादमोरिया उनका एक रिसाला है कि मकतुलमखलू लई मक्तुल मखलूकिन कमख्तल खालिक बंदे का नाराज़ होना अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़ होने की तरह नहीं है मैं खालिक खालिक है एक बच्चा भी नाराज़ होता है एक बड़ा आदमी नाराज़ होता है दोनों की नाराज़गी एक है क्या जब दो मखलूक की नाराज़गी एक जैसी नहीं है तो फिर खालिक और मखलूक की तो इसमें किसी तरह का कोई तशाबू नहीं है ना कोई तशबीह है ना कोई तमसील है ना तकीफ है बस इस बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक में कि अल्लाह की सिफत है और इसमें किसी तरह की तावील नहीं होनी चाहिए अल्लाह सुबहानो नाराज होते ही नाराज होते हैं। कैसे कमाई अलीकुलशानी अल्लाह की शान के मुताबिक ये आज के दर्श की बात थी अल्लाह सुबहान तला की जो नाराजगी है इसका तकाजा है कि आदमी कुफर करने से बचे शिर करने से बचे नेकी का हुक्म दे लेकिन उसकी ताकत में है तो उसे अंजाम भी दे बुराई से रोके और बुराई से तो रुकना चाहिए ऐसा नहीं कि ताकत के बकदर रुकेंगे बुराई से तो रुकना चाहिए मिसाल के तौर तो पर नेकी को ताकत के बखद्र अंजाम देंगे ना बुराई का भी ऐसा ही है क्या ताकत के बकद्र रुकेंगे उसमें ताकत क्या है उसमें तो रुकना ही है उसमें बस अल्लाह तला से सबर मांगे इस्तेमालत मांगे ये असल चीज है आखिरी में एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो अलमकतू अल्लाह रबालमीन की सिफत है एक नाराजगी वाली बात है अरबी जुबान में एक और कलिमा है अलमी खातु जो अलमतु है ना मीम काफ़ जो लंबी ना लंबी मजीद में, में आता ना खल असमावात उसमें जो लंबी ता आती अलमखतु में वही ता आती है लंबी ता लेकिन एक और कलिमा आता है मीम काफ़ उसके बाद गोलता अलमी खतु एक है अलमीका अल्मी कतो की माने आती है अलमहबा महबत के वो अरबी ज़ुबान में वामा का है वामा का मीम काफ़ मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात इमाम बुखारी रहा ने अपनी अलजाम की किताबुल अदब में एक बाब कायम किया है कि मिन अल्लाह यानी अल्लाह की जानब से मोहब्बत तो फ़र्क करना चाहिए एक है अल तु एक नाराज़गी अलमिकतु है अलमहबा उसमें जो हदीस लाइम बुखारी रामाला बड़ी मारूफ हदीस बुखारी की जो किताबुल अदबम है अबू हरेरा उसके रावी है नज़ी अल्लाह के रसूल सल्सम ने फरमाया कि इन इदा अह, इन, इन इदा अहब अब्दन। जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो ना दबरील जबरील को जबरील को आवाज़ देते जबरी को क्या आप लोगों में ऐलान कर दें फाहबाह क्या उनसे मोहब्बत करें अल्लाह तौ जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल से कहते हैं कि आप भी इनसे मोहब्बत करें और जब्रैल सलाम तो उसका चर्चा आसमान वालों में करते हैं और कहते हैं कि फाहब्बू इस बंदे से तुम सब मोहब्बत करो फिर सब उनसे मोहब्बत करते हैं फयूदबुल फिर अल्लाह रबालमीन ज़मीन में बसने वालों के दिलों में भी अल्लाह तक कबूलियत लिख देते हैं मोहब्बत भर देते हैं इस हदीस लाए इमाम बुखारी ने लेकिन बाप कायम किया बाबुल अल मिकतु ए अल महब्बतु लेकिन अलमक तू है नाराजगी अशदुलब नाराज़गी भी जबरदस्त नाराजगी सिर्फ लिखत का फर्क है ज़ाहिरी एतबार से और हकीकी एतबार से देखा जाए तो दोनों का दोनों के हरूफ भी अलग हैं एक मकाता है और एक वामा का है वामा का मीका तो कहाँ से आया है वो जो वमक, कन बोलते ना वम, कन वो वमकन जो है आखिर में हा आया है उस वो केवज में जिसे वजनुन कहते है, वजनुन, असल में वजनुन है, लेकिन जिनत उसका जो मंजर आता है उस से बहरहाली एक जाहिरी कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी है अल्लाह रबीन के असमाय हसना में एक नाम आता है अलमुकीत वो अलमखतू से नहीं है वो वो अलकूत अलूत अलूत बोलते गज़ा को अलमुकीत यानी बंदों की रोज़ी रोटी देने वाला बंदों की रोज़ी रोटी को महफूज़ करने वाला उनके ज़रूरत के बकद उन्हें फराम करने वाला वो माना उसका उसके बारे में तफसील से बताएँगे इन शाला मैंने दर्ज दिया था बहुत पहले उसके बारे में लेकिन दोबारा दूँगा इन शिनला तेक तो है अलमकतू वो अल्लाह रब्लम की सफ़त हैं अलमुकीत अल्ला रब्लम का एक नाम है वो अलकूत से हैं और क़त ये अल्लाह रबुलमी की सफत सिफत, सिफत महब्बत है ना महबत उसके माने में है अलमी ये कुछ ज़ाहरी तफसी थी इस सिलसिले में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्लम हमें अल्लाह के सिफात को उसके आसमाय हसना को अल्लाह ताला पढ़ने की तोफ़ी अदा फ़रमाएं और उसका जो तकाज़ा है उसको पूरा करने की तोफ़ी अदा फ़रएँ सुबहद अशदालंत अस्ताफ़रक़त लिखा